क्यूट नेम्स, क्यूट नेम्स. अच्छा पहले किसी ने मुझे बताया था समझी माहीन, उन्होंने कहा नॉट माहीन आर है एंड में, एंड आल्सो साद. ओके साद इज गॉन. ओके साद इज गॉन, साद आए थे जो कि वहां आ गए. सो हानिया इस बार कैरेक्टर में कुछ चैलेंज है, डिफरेंट है, हम आपको रोता धोता दिखेंगे या एम्पावर्ड, क्या होगा? A bit of both, because that's I think what life is like, yeah. Ups and downs. Mm-hmm. So. But yeah. अभी जो पिछले कुछ characters हैं उसमें आप एक extreme पे खेल रही होती थी, right? और. No, this is a very logical character. Okay. She's very balanced. Balanced. Yeah. Okay. So काफी लड़कियाँ उससे relate कर सकेंगी. Inspire ज़रूर हो सकेंगी. Yeah. Relatable भी है. आप उसको कैसे describe करेंगी? दो तीन qualities अगर आप बोलें. She's very level-headed और उसकी हर बात में logic ज़रूर है. And she puts herself first. She's not blindly trusting anybody. And वो जो एक ideal example नहीं आपका एक होता कि ऐसा होना चाहिए आपको, उस तरह का. लेकिन वो जो empowered और level-headed या अपनी उसको और बस उसके बाद वो बस पीछे पड़ जाता है लड़की. तो उनको हर किसी से हो जाता है ये एक पर्टिकुलर केस नहीं, ये वो किसी को कोई घास ही डालता है लेकिन इसे एक लड़की से हो जाता है. ओह अच्छा, तो ये वो वाला कैरेक्टर. हाँ जी. और इज वेरी चिल गाय, फनी गाय, बहुत जस्ट नो हैज नो केयर इन द वर्ल्ड. और लेकिन फिर ये लड़की उसकी जिंदगी में आती है और फिर बहुत ज्यादा केयर्स डाल देती है, बहुत ज्यादा ये वो केयर्स हो जाती है बहुत ज्यादा उसके अंदर में, बहुत फिक्र और परेशानी डलवा देती है. वही जो हर लड़के के साथ असल जिंदगी में भी होता है, एक आती है और बस फिर ओह ये निकल रही है, रोने ही लग गया यार. तो रियलिटी से बहुत आपने रियल लाइफ है थोड़ा सा, सबके साथ ही हुआ होगा एक दफा तो सबके साथ होता है. बस इस ड्रामे में मेरे साथ भी हुआ. अच्छा अभी आपकी रीसेंट काफी प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह से हम देख रहे हैं, एंड यू वर्किंग विद रियली गुड नेम्स अल्हम्दुलिल्लाह. तो एक तो ये इंटरेस्टिंग हो गया, आपको सीखने को भी बहुत मिल रहा है. बहुत कुछ, बहुत कुछ. आई वर्क विद बिग नेम्स एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, एंड आई हैव द प्लेजर ऑफ वर्किंग विद हनी फॉर द सेकंड टाइम नाउ. देखते हैं अब क्या सीखूंगा इस पहले नहीं, जब मैं इसको मिला था संगे माँ के सेट पे पहले, तो उसने बहुत ज्यादा मुझे समझाया कि अच्छा देखो कोई बैगेज सेट पे नहीं लेके आएंगे, कहाँ पे फोकस करना है, और जब कैमरे के आगे हो तो सब कुछ भूल जाए करो. तो हर कोई नहीं आपको इस तरह गाइड करता, तो ये मुझे अच्छा लगा कि इसने किया और मुझसे बात खुद किया, क्योंकि मुझे आदत नहीं है सेट पे खुद जाके लोगों से बात करने की. तो इसने मेरे साथ थोड़ा एफर्ट किया, खुद आके बात की, तो मैं कहा ये तो नॉर्मल इंसान है, इससे तो बात नहीं सकती. कंग्रेचुलेशंस. I'm writing you a negative role. क्यों? I feel like you have so much. शुरू में अपने करियर के. अगर मिल जाए अच्छा तो जरूर, but like एक चीज के साथ नहीं लग रहना चाहिए ना. I wanna push myself. I wanna challenge myself. And I think you have a lot of performance margin in a negative character rather than a positive character. Hero तो सारे एक जैसे होते हैं ना, वो एक ही चीज करते हैं. Negative character का मजा आता है मुझे, वो करना. अरीब में क्या कोई मजा आया आपको, कोई challenge था? अरीब मैं पता नहीं सकता ना आपको, अभी बस समझे हीरो ही है. अरीब इज दैट एक्सट्रीम इज दैट यू थॉट मे बी आई वाज इन दिस. ओके बता दिया. एक्सट्रीमिस्ट हो ना. चलो था अभी बहुत कुछ है कहानी में. आई एम श्योर वी हैव अ लॉट टू डिस्कवर. तीनों जो कैरेक्टर्स उनको तो इस छोटे से इंटरव्यू से मैं नहीं कुछ समझ आ रहा. आई होप नॉट. सो एनी इंटरेस्टिंग कोई वाकया सेट से जो भी आप लोग हमें सुना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं? वाकया तो उनके पास ही होते हैं ज्यादा. क्या नहीं बताओ. खाना बहुत खाते हैं सर. ओ यार यार क्यों, उफ यार क्या बोल दिया, मुझे कैसे भूल गया ये. दीज टू बॉयज दैट आई एम वर्किंग विद राबिया जी, ये एक खाना
आपसे पूछे बगैर आपका खा लेता है वहाज, और एक बस ढूंढता रहता है, ये सूंघ के पहुंच जाते हैं कौन कहाँ खाना खा रहा है। उस दिन कि राबिया की कोई खाना आया हुआ था, उसने कुछ मंगवाया था बीच में दिन के ना लंच टाइम के बाद, तो वहाज गया, उसने पूछा आपके आपके तीन लोगों ने मना कर दिया, तो उसने खा लिया। तो वो बस ये होता है, यू हैव टू सेव योर फूड फ्रॉम देम। खाना बचा के रखें, यहाँ फोन सेफ है, ज्वेलरी सेफ है, पैसे और माशाल्लाह वहाज तो माशाल्लाह इतना खाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे, काश मेरे पास उनका वाला नहीं, खाते तो ये भी हैं, मेटाबॉलिज्म उनका बेहतर है मुझे लगता है, वो पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन वो तो अभी हम लोगों ने ऊपर बैठ के शूट से पहले कई तीन डब्बे गोलगप्पों के भी खाए हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, आंटीज गोलगप्पे हमने पहली दफा खाए, बहुत मजे के थे, बहुत मजे। गाइस आर हैविंग फन एट द दे, यस दे आर ईटिंग, आई एम शूटिंग। अच्छा आनिया जी, अगर जाविया सेट पे नहीं मिल रहे तो कहां पाए जाएंगे? तो मैंने कह दिया था कि आप यू नो टू सेव द प्लैनेट आप नहीं करोगे, एक सेकंड, हाँ मैं हाइब्रिड गाड़ी चलाता हूँ, मैं एक इंसिडेंट बता दूं। दिस वन डे आई थिंक इट वॉज माई बर्थडे, was it कौन सी वाली बात कर रही हूँ, टर्टल्स वाली, हाँ आई थिंक इट वॉज माई बर्थडे। और उसके बाद अब हम सब घर जा रहे थे, तो इन्होंने दुकान से कुछ लेना था, तो दुकानदार ने इनको प्लास्टिक के शॉपर में कुछ दे दिया, तो ये लड़े लड़े नहीं लेकिन हल्का सा फ्रेंडली लड़ पड़े, और कहा कि आपको पता नहीं है कि प्लास्टिक से टर्टल्स मर जाते हैं, और तो he does care about the planet. लगा हुआ था, तो मैं कह रहा था कि आपने क्यों अभी तक रखे हैं। So he does care about the planet and turtles and the turtles. Animals. So he would yes, not yeah, इंसानों से इतना लगाव नहीं है जितना जानवरों से है। प्लास्टिक से मुझे आपको कुछ फर्क है, वो नहीं सही है। नहीं नहीं हमें है, लेकिन हमें turtles के लिए नहीं होगा ना। But let's so yeah, I take that back. He would probably be the one who would save the planet. Yes. I'll still flush. See the planet, but I'll still flush. Well, then I was right then. वैसे उन्होंने अच्छा बोला था कि आप इतने responsible हैं, you're so you know conscious that you will. Yeah, मैंने कहा था अगर वो वैसे भूल जाए तो अलग बात है। हाँ नहीं फिर ठीक है, लेकिन हाँ अच्छे अंदाज़ में बोला। फिर ठीक है, फिर ठीक है। मुझे बताया। You want to talk it out? Anything I want to say about Hania? एक दफा वो इस ड्रामे का नहीं है, क्या बोलने लगे हो, इस ड्रामे का नहीं है। हम लोग संगे माह में जब शूट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल कोई वाज माय फोर्थ डे वर्किंग विद हर, कुरकुरे नहीं वो जो स्कॉर्पियन वाली बात, ओ जानवरों से इतना प्यार है। इन्होंने स्कॉर्पियन पकड़ लिया, उसको एक दिन एक अपने पास रखा, एक कंटेनर में अपने पास हमारे जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ, हमें हर चीज जानवरों के बारे में स्कॉर्पियंस के बारे में पता चली, फिर उसका नाम हमने कार्डी भी रखा, फ्लफी भी था, इसने फ्लफी नाम रखा उसका, मैंने कार्डी भी रखा था।